इस समय जेके न्यूज टुडे की टीम आ चुकी है सरवाल में। यहाँ पे हम लोग आए हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल सरवाल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर उम्र हर वर्ग का शख्स यहाँ पे आया हुआ है और अपनी वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज कर रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। आप अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूं आगे जाकर थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे हर उम्र के लोग आए हैं। यहाँ पे आपको इजीली विजिबल है कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज की बात की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे व्हीलचेयर की भी यहाँ पे सुविधा रखी गई है, वहीं पे ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम, शेड, जो उन्होंने बोला था कि वहां पे शेड होगा वहां पे शेड भी है वहां पे। इस समय आप देख सकते हैं कि कितनी लाइन है। और यहाँ पे मेरे साथ कुछ वोटर्स हैं। मैम, आप अभी वोट कर आ रहे हैं, तो आपके किन मुद्दे, कौन से मुद्दे रहे जिन पे आपने वोट किया है? डेवलपमेंट पे। तो आप कितने एक्साइटेड हैं? आप सुबह 8 बजे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि लाइन लगी हुई है। हम 7:30 बजे ही आ गए थे। 7:30 आ गए थे, आपको लाइन में खड़ा होना पड़ा? हाँ, थोड़ी देर के लिए। हाँ। तो आपके साथ कौन आए हैं? मेरी बेटी है। हाँ जी, चलेगी। वो फर्स्ट टाइम वोटर है? हाँ, वो फर्स्ट टाइम वोटर है। तो उनका क्या मतलब प्रस्पेक्टिव था? आपने उन्हें कुछ बताया है कि वोटिंग है, आपने आज फर्स्ट टाइम वोट देना है, किस तरह से? बस डेवलपमेंट ही हमारा मेन था। हाँ, और थोड़ा बस यही है हमारा। ओके, तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पीछे सिक्योरिटी के भी अच्छे खासे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, और लाइन आप देख सकते हैं। मैं आपको दोबारा से बोलूंगी कि यहाँ पे आप देखिए कि लाइन किस तरह से है यहाँ पर, और लोग किस तरह से खड़े हैं और अपना जो राइट टू वोट है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। वहीं पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे सरवाल में गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल सरवाल में हम इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के भी अच्छे खासे प्रबंध हैं। यहाँ पे हमें एक छोटा बच्चा आते हुए दिखाई दे रहा है एक मैम के साथ। मैम, आपका नाम? हेलो, माय नेम इज स्वयं महाजन। हाँ जी, तो आप यहाँ पे आए हैं वोट देने के लिए, तो कितने एक्साइटमेंट है आपको इसकी? एक्साइटमेंट नहीं, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड ड्यूटी भी। और हम बस उठे और आगे कुछ नहीं किया, बस पहले वोट कास्ट करने आगे। और मेरा एक मैसेज देना चाहूंगी लोगों को, कुछ लोग बहुत कैजुअल अप्रोच से सोचते हैं कि नहीं रहने तो एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। अरे, घर के लोग भी बोलते हैं, पर प्लीज ऐसा मत कीजिए। एक वन वोट कैन मेक अ डिफरेंस, सो प्लीज कम। सिर्फ बेड से उठो, कुछ मत करो और वोट कास्ट करने आ जाओ बस। तो मैं आपके साथ देख रही हूँ यहाँ पे एक आपकी डॉटर है। ओके, हेलो, 4 इयर्स ओल्ड। आपका नाम क्या है? तो आपको पता है मम्मा क्या करने आए हैं? टू कास्ट वोट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए। ये भी एक बहुत अच्छा साइन है, बहुत हेल्दी साइन है कि आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी बच्चे हमारे साथ हैं, ये लोग भी आए हैं अपने पेरेंट्स के साथ। वहीं पे हम देख रहे हैं सीनियर सिटीजन, वो भी अपने घरों से आए हैं। सर, आपका नाम? रंजीत पाल। तो आप किन मुद्दों पे वोट करके आए हैं अभी? हम विकास के लिए। विकास के लिए? आपके साथ आपकी मदर है, तो इन्होंने भी वोट करा है। आपका नाम? माता जी। सोमदेव। तो आपने वोट करा है, किन मुद्दों पे करा है? मुद्दों पर चलता बच्चा सब कुछ। तो आपकी उम्र कितनी रही होगी? मेरी उम्र 7 साल हो गई। 7 साल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एज ग्रुप का शख्स आया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से सीनियर सिटीजन को लेकर आया जा रहा है उनकी फैमिली के द्वारा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन कितनी ज्यादा, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। देखते ही देखते आप देख सकते हैं सिंगल लाइन थी, डबल लाइन होने पे आ गई है। वहीं पे अगर आप देखें किस तरह से यहाँ पे लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, हर उम्र के लोग आए हुए हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है, और मेरे को लग रहा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे महिला जो वोटर्स है उनकी तादाद कहीं ना कहीं मेल वोटर्स से ज्यादा देखने को दिखाई दे रही है। ये भी एक बहुत हेल्दी साइन है। तो इसी तरह की और अपडेट देखने के लिए बने रहिए जेके न्यूज टुडे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सोमदत्त के साथ मैं हिमानी कंधारी।